सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट के दो तीन वीडियोस से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो कट ऑफ्स है अलग अलग कॉलेजेस के, वो क्या हो गए, मेरे इतने मार्क्स आए, इतने परसेंटाइल आए, तो फिर उसके हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, या फिर ये ब्रांच मिल सकती है या नहीं, या फिर ये कॉलेज मिल सकता है या नहीं। तो इसके लिए एक मैंने आज वीडियो बनाया है। एक बहुत ही आसान, मतलब एक सिंपल ट्रिक है जो मैं आपको शेयर करूंगा, जो जिसके इससे आप कोई भी कॉलेज का, मतलब मोस्टली जो भी थोड़ा बहुत भी फेमस कॉलेज है उसके आप कट ऑफ जान सकते हो। तो स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। राइट, सो अभी हम आ गए अपने स्क्रीन की तरफ, देखते हैं फिर क्या है। तो आपको कोई भी कॉलेज का निकालना है, जैसे कि हम लेते हैं फॉर एग्जांपल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, तो COEP कॉलेज प्रवेश, ये एक वेबसाइट है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, जिसमें आप कट ऑफ कोई भी इसका इतने अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पर, और एकदम एक्यूरेट कट ऑफ है इसमें। आप देख सकते हैं कि आपको कौन से ईयर का देखना है। अभी 2020 का अगर हम देखेंगे तो आपको कोटा चूज़ करना है, जो भी आपका था जनरल कोटा ही रहेगा, हम देखेंगे उसमें। ओपन करेंगे और ऑप्शनल अगर आप EWS या TFWSA अगर ले रहे हैं स्कीम्स, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने दिया है। लास्ट टाइम सिर्फ दो ही राउंड हुए थे, इस टाइम का अभी तक कुछ आया नहीं, लेकिन लग तो रहा है कि दो ही राउंड हुए। तो जो कट ऑफ रैंक्स थी वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली जो भी वो डॉक्यूमेंट में आती है उसी हिसाब से उन्होंने दी हुई है। तो हाँ, तो आप इस तरीके से कोई भी कॉलेज का निकाल सकते हैं। अगर हम अभी EICT का देखें, हम कट ऑफ 2020 देखें, उसका भी ऑल इंडिया जो कट ऑफ होता है, जो 20% सीट्स होती है, उसका भी इन्होंने दिया हुआ है वही तरीके से। और अगर आपको CET के थ्रू देखना है, इस बार OBC का देखना है, तो राइट, होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स ऐसे भी कुछ होता है, मतलब कि जो महाराष्ट्र के सीट्स हैं और आउट ऑफ महाराष्ट्र जो भी लोग हैं उनके लिए ऐसे कट ऑफ्स अलग रहते हैं। तो देख सकते हैं आपकी जो कट ऑफ्स है वो दिया हुआ है। सेकेंड राउंड का भी सिमिलरली दिए हुए हैं, सेकेंड राउंड में तो सीट ही बचे नहीं थे दिख रहा है क्लियरली कंप्यूटर साइंस के। राइट तो मुझे अभी लग रहा है आपको समझ ही गया होगा कि मैं क्या बोल रहा था। फिर आप इस तरीके से कोई भी कॉलेज का जो कट ऑफ है वो जान सकते हैं। और अभी आपके रिजल्ट्स लग गए तो मैं यही कहूँगा कि आप अभी आपके परसेंटाइल के हिसाब से अपनी रैंक निकालिए, और रैंक के हिसाब से आप कॉलेजेस ऐसे सॉर्ट आउट कीजिए कि कौन से हमारे कॉलेज हम टारगेट कर सकते हैं, या फिर कौन से कॉलेजेस में हमें मिल सकता है। तो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।